नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और ये 5 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है इन कश्मीर इंटीग्रेट कश्मीरीज। और एडिटोरियल में बात की गई है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब जरूरी है कि कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो, जिससे कि कश्मीर के लोग भारत के साथ पूरी तरीके से घुल मिल सकें। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहां की कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट एरिया है सिलेबस का। और क्योंकि इस एडिटोरियल में बात होगी आर्टिकल 370 की और आर्टिकल 35A की, तो ये डायरेक्टली जुड़ता है भारतीय संविधान से। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या बदलाव हुए हैं अगस्त 5, 2019 के बाद से। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, जो कि भारत का एक राज्य था, उसे राज्य के दर्जे से हटाकर दो यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें कि एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ केवल दो डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल, जबकि 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर राज्य में 28 डिस्ट्रिक्ट थी। तो जो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हैं वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगस्त 5, 2019 को आर्टिकल 370, जिसके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, इसको भी हटा लिया गया है, और साथ ही साथ आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जम्मू और कश्मीर दोबारा राज्य तो शायद बन जाए, लेकिन आर्टिकल 370 का दोबारा वापस रिवाइव होना नामुमकिन है, क्योंकि आर्टिकल 370 को जब हटाया गया है तो पूरे भारत में इसको व्यापक समर्थन मिला है। कुछ विरोध भी हुआ है, लेकिन वो विरोध ज्यादातर कश्मीर वैली में ही हुआ है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू और कश्मीर में जो भी विवाद रहे हैं उनका पूरी तरीके से सॉल्यूशन हो गया है, तो ये बात सही नहीं होगी। ये 7 दशक पुरानी समस्या है और इसका पूरी तरीके से रिजोल्यूशन अभी नहीं हो पाया है। अगस्त 5, 2019 के बाद से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के, उनमें से ज्यादातर अभी भी जेल में बंद हैं, जिसमें कि दोनों तरीके के लीडर्स हैं, जो कि मेन स्ट्रीम वाले थे, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जो सेपरेटिस्ट थे। दोनों तरीके के लीडर्स को इम्प्रिजन करने से अब उनके बीच का जो डिफरेंस था वो भी करीब करीब खत्म हो गया है। प्रेस फ्रीडम पे भी काफी ज्यादा कर्ब्स लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट को जम्मू एंड कश्मीर में नहीं अलाउ किया गया है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है। लेकिन इसकी वजह से जो आम जनजीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वहाँ के स्थानीय लोगों को, जिनमें कि व्यापारी वर्ग है, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं वैसे लोग हैं, और ख़ासतौर से जो विद्यार्थी वर्ग है। ये जरूर हुआ है कि पिछले एक साल में जो मिलिटेंसी है उसमें जरूर कमी आई है, और खासतौर से जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता था, जो पाकिस्तान से लगातार आतंकवादियों का आना था कश्मीर वैली में, उसमें कुछ कमी जरूर आई है। लेकिन अब आगे जरूरी है, जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में, उससे नुकसान ही हो सकता है। तो बहुत जरूरी है केंद्र सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने की, ताकि जो लोकतंत्र है उसकी बहाली हो जाए जम्मू और कश्मीर में। और जब भी जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो सिक्योरिटी सबसे अहम मुद्दा रहता है, और भारत की अभी तक की पॉलिसी ऐसी थी जहां भारत ने आतंकवाद से भी मुकाबला इस तरीके से किया है कि जो लोगों की स्वतंत्रता है और जो उनके राइट्स हैं उस पर कम से कम असर पड़े। लेकिन इस पॉलिसी को 2019 में खासतौर से जम्मू और कश्मीर के मामले में थोड़ा बदला गया है, और कई सारे जो लोगों के अधिकार हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को देखते हुए, और जिसकी वजह से
जो फ्लो ऑफ फाइनेंस है, जो कि आतंकवादी संगठन है उनके पास जो पैसा पहुंच रहा था उसको रोकने में सरकार को कुछ कामयाबी मिली है, और जिसके द्वारा जो लगातार पत्थर फेंकने की घटनाएं हो रही थी कश्मीर वैली में उनमें भी काफ़ी कमी आई है। इसके द्वारा जो टेररिस्ट हैं उनको भी एलिमिनेट करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद मिली है, और जो लोकल लेवल पे टेररिस्ट का रिक्रूटमेंट हो रहा था उसमें भी काफ़ी कमी आई है। लेकिन अभी भी जो असली चुनौती है सरकार के सामने वो है गवर्नेंस की और पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करने की जम्मू और कश्मीर में। अब देखते हैं जो दो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन रहे हैं इस पूरे मुद्दे में, वो हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 370 जो भारतीय संविधान का है उसे एक टेम्परेरी प्रोविजन माना गया है, और जिसके द्वारा स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस मिला हुआ था जम्मू और कश्मीर को, और ये आर्टिकल था पार्ट 21 में भारतीय संविधान के, जो कि डील करता है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन से, और इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। और आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सारे प्रोविजन्स हैं जो कि बाकी राज्यों पर एप्लीकेबल हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं थे। जैसे कि 1965 तक जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नर की पोजीशन थी उसको कहा जाता था सदरे रियासत, और जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन थी वहाँ इस पोजीशन का नाम था प्राइम मिनिस्टर, जिसको 1965 में बदला गया था। और अगर आर्टिकल 370 का इतिहास देखें तो जब 1947 में जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारत के साथ, जिसके द्वारा वो भारत का हिस्सा बन गया, तो ये साइन किया था जो डोगरा रूलर थे उस समय जम्मू एंड कश्मीर के, महाराजा हरी सिंह, और उन्होंने जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन उस समय की केंद्र सरकार के साथ किया उसके द्वारा ही आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और आर्टिकल 370 के अंतर्गत डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इन तीन चीज़ों पर भारत की केंद्र सरकार फैसला लेगी, और इसके अलावा भारतीय संसद को स्टेट गवर्नमेंट की सहमति की जरूरत होगी किसी भी और कानून को जम्मू एंड कश्मीर पे लागू करने के लिए। तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे वो एक सेपरेट कानून के अंतर्गत रह रहे थे, जो कि सिटीजनशिप से संबंधित था, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और फंडामेंटल राइट्स से भी। लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है, और आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जो भारत के अन्य जगहों में कानून लागू हैं वही जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 35A, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के द्वारा। और यहाँ एक खास बात जानने की जरूरत है हमें कि आर्टिकल 35A को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 1954 में लाया गया है, तो कोई भी आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करके इसे नहीं लाया गया है जैसा कि अन्य आर्टिकल्स के लिए किया जाता है। और दूसरी जरूरी बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ आर्टिकल 35 के बाद सीधे आर्टिकल 36 आता है, और आर्टिकल 35A अपेंडिक्स 1 में मौजूद है। और आर्टिकल 35A के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को ये पावर था कि वो परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन कर सके और उन्हें स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस दे सकें, लेकिन अब इसे भी हटा लिया गया है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद से संवैधानिक और कानूनी रूप से कश्मीर को भारत के साथ एकीकृत करने के सरकार के कदम को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको लेकर कई सवाल भी उठाए गए हैं। और अब जब इस घटनाक्रम को एक साल हो गया है तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जम्मू कश्मीर की संपूर्ण संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था से इस क्षेत्र पर जो राष्ट्र का नियंत्रण है वो और सुदृढ़ हुआ है, और इसके द्वारा जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है यानी कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उससे निपटने में और हिंसा पर काबू करने में भी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद मिली है। एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई है आर्टिकल 370 के हटने से वो ये है कि जो लोग सेपरेटिज्म की बात करते थे कि कश्मीर को अलग करेंगे भारत से, उनकी आकांक्षाओं को भी झटका पहुंचा है, और अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन एडिटोरियल बताता है कि कई सारी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं,
और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो ये है कि कश्मीर का एकीकरण तो कर लिया गया है, लेकिन जो इंडियन यूनियन है उसके साथ कश्मीरियों को एकीकृत करने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। जो मुख्य धारा के नेता हैं वो अभी भी काफ़ी संख्या में डिटेंशन में हैं। जो मोबिलिटी और कनेक्टिविटी है और इसके अलावा जो कई सारी सिविल लिबर्टीज़ हैं उन पर भी अभी अंकुश सरकार के द्वारा लगाया हुआ है, और जो राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है उसके द्वारा जो आम कश्मीरी लोग हैं वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। और जो 5 अगस्त 2019 का फैसला था जिससे जम्मू एंड कश्मीर से जो राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और उसे 2 UT में बदल दिया गया है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध है, खास तौर से कश्मीर वैली में, और इससे वहाँ के लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में भी भारी बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं। आगे एडिटोरियल बताता है कि अब क्या किए जाने की आवश्यकता है। तो बहुत जरूरी है कि सरकार को जन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और नागरिकों के लोकतांत्रिक असंतोष की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और एडिटोरियल कुछ सुझाव देता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। पहला कि जो संपर्क या कनेक्टिविटी है उस पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको अब धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। दूसरा, जो नेता हिरासत में हैं उनको अब रिहा कर देना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रोसेस को बहाल किया जा सके। तीसरा, राजनीतिक संवाद शुरू किया जाना चाहिए। चौथा, सुरक्षा बलों को भी ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी करनी चाहिए सरकार को। पांचवा, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनः बहाल किया जाना चाहिए, जबकि लद्दाख को एक अलग इकाई के रूप में बने रहने देना चाहिए, क्योंकि लद्दाख के लोगों की हमेशा से मांग थी कि उन्हें यूटी स्टेटस दिया जाए ताकि लद्दाख की जो अनदेखी हुई है उसे कम किया जा सके। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि सरकार के द्वारा ये सारे कदम उठाने से राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी, और अब सरकार को चाहिए कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस अलग थलग कर रहा था बाकी भारत से वो अब नहीं है, लेकिन अभी भी कश्मीरियों के मन और दिल को जीतना बाकी रहता है, और इसके लिए सरकार को और भारत के सारे लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि हर एक कश्मीरी अपने आप को भारत का नागरिक समझे और उसे उसका लाभ भी मिले। तो ये सब था आज के एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्टली आर्टिकल 370 पे कि ये कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट 21 में मौजूद था और अब इसको हटा दिया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 35A के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये अपेंडिक्स 1 में था। आपसे स्पेशल स्टेटस के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा लिया गया है जो कि उसको आर्टिकल 370 के अंतर्गत मिला हुआ था, लेकिन अभी भी भारत के कई सारे राज्य हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो जम्मू एंड कश्मीर के उस समय के महाराजा के साथ साइन किया था केंद्रीय सरकार ने, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। वो कब साइन किया गया था, तो वो 1947 में साइन किया गया था, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स, जबकि वर्तमान में 25 पार्ट हो गए हैं और 12 शेड्यूल हो गए हैं। आर्टिकल्स 448 के करीब हैं और ये बदलते रहते हैं, तो इस पे हमें अपडेटेड रहना चाहिए। और मेंस में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप इवैल्यूएट करिए कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया है इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हमें पता होने चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।